बाड़ी से बोल रही हूँ। महमूद बाबा की दरगाह से, दरगाह के सामने घर है हम लोगों का। हमारे कने अब तक के कुछ भी राशन वाशन नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे आदमियाँ घरों में भी तो कुछ कर नहीं सक रहे, जो था तो वो भी खा लेके बैठ रहे, फिर क्या करना भाई लोग। आप लोग जैसा तो सब बस्ती में बांट रहे हैं, ऐसा हमारे को भी थोड़ा दे दीजिए। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पूरे हमारे बहना लोग, पूरे हमारे आजू बाजू वाले पूरे परेशान हैं। आप लोग ज़रा हम लोगों के ऊपर ज़रा तजुबल दीजिए, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। रमज़ान आ रहा, अब रमज़ान में बच्चे रोज़े रखते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत दुआ देंगे। आप लोग आकर ला के हम लोगों को कुछ तो भी दिए, तो आप बस हम लोगों की इतनी गुजारिश है आप लोगों से। आप लोग जो जो देखे सो, आप लोग जहाँ जहाँ बांट रहे सो, आप लोग हम लोगों को भी इसमें से तस्मील कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। अब रमज़ान शुरू होने वाला भाई, हम लोगों का नहीं कुछ भी नहीं है रमज़ान में खाने पीने। आप लोग आज ज़कात देख सकते, ज़कात में से समझ के, ज़कात ही समझ के हमारे को राशन पानी भेज दीजिए भाई साहब। हम लोगों का नहीं कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे लोगों का क्या करना, बड़े बच्चे भी बैठ गए घर में। आप लोग जो आप लोगों से आपकी हैसियत जितनी है उतनी हमारे लोगों को भेज दीजिए। अब हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रोज़ा रखेंगे भी परवाह नहीं, भूखे रह के रोज़ा रख लेंगे, बगल खा पी के रोज़ा रखेंगे। अगर आप लोग भेज दिए तो हम लोगों को वो भी तकसीम कर दीजिए। आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी भाई साहब। ये आप लोगों से, हम लोग से, हमारे पूर्वजनों की तरफ से आप लोगों के गुजारिश है, आप लोग भेज दीजिए। बोल आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। पहाड़ी से बोल, इमान नगर है ये, बोले नहीं बेटा। वो हम बहुत परेशान हैं इस वक्त। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, परेशान है। मेरी बेटी बेवा, मैं बेवा, मेरे महल्ले के बच्चे सब परेशान हैं। जितना भी अब तक था वो खर्च होगा, अब कहाँ से लाना बेटे। आप लोगों से गुजारिश है, ज़कात अगर तो फितरा सबको जो कुछ भी जाते हो बस समझ के हमारे को मदद करो। क्या आप लोगों के इसारे सवाब के वास्ते हमारे को मदद करे तो बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। कहाँ रहते हैं मैम? MM पहाड़ी, इमाद नगर, मीर महमूद साहब।